हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो ये वीडियो जो है हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसीलिए और हाँ, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम भी लगा है क्योंकि मेरे चैनल पर कुछ भी ऐसा फेक नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी रिक्वेस्ट पर उस प्रोडक्ट को परचेज करती हूँ, देन उसे यूज़ करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ रिव्यू करती हूँ। अगर मतलब जैसा भी हो उसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ करती हूँ। तो क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे ग्रीन कॉफ़ी बीन्स कैप्सूल्स का रिव्यू करने का बोला क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ग्रीन कॉफ़ी बना पाएँ, देन क्योंकि मॉर्निंग और नाइट में तो उनके लिए सूटेबल हो जाता है लेकिन जब वो ऑफिस में होते हैं तब उनके साथ इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो ग्रीन कॉफ़ी उनकी स्किप हो जाती है। तो उन्होंने ही मुझे ये सजेशन दिया है और आइडिया दिया है कि मैं ग्रीन कॉफ़ी कैप्सूल्स का रिव्यू करूँ। और फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के कहने पर इसे मंगवाया और मैं लास्ट 1.5 महीने से इसे खा रही हूँ क्योंकि फेस्टिवल से आप सब पता है फेस्टिवल में कोई भी डाइट फॉलो नहीं हो सकती। फेस्टिवल की स्टार्टिंग आप मान के चले 1 हफ्ते बाद और 1 हफ्ते तक रहती है। तो पिछले 10-15 दिन से मैं डाइट नहीं कर पा रही हूँ लेकिन इस कैप्सूल को लेकर मैं रेगुलर थी और यकीन मानिए कि मेरा वेट इवन बढ़ने की तो बात ही छोड़िए, मेरा वेट बहुत ही इजी वे में घटा है क्योंकि मैंने कोई भी डाइट नहीं फॉलो की है और थोड़ा सा एक्सरसाइज में भी इनरेगुलर हो गई थी। तो काफ़ी मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा इसका रिजल्ट है। और क्योंकि ग्रीन कॉफ़ी ही क्यों मतलब ग्रीन कॉफ़ी ही आप क्यों सप्लीमेंट के रूप में चुने अपने वेट लॉस के लिए, तो ये सबसे नेचुरल है क्योंकि इसमें मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि ग्रीन कॉफ़ी नॉर्मल पेड़ से तोड़ी जाती है और जब उसे रोस्ट कर दिया जाता है, जो हम नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी घर में यूज़ होती है वो वाली होती है, लेकिन जो ये ग्रीन कॉफ़ी है, ग्रीन कॉफ़ी जो मैं बताती हूँ आपको वेट लॉस के लिए, उसे पेड़ से तोड़ा जाता है और उसे रोस्ट नहीं किया जाता है क्योंकि रोस्ट करने से जो क्लोरोजेनिक एसिड है वो कहीं ना कहीं जल जाता है और उसमें मात्रा कम हो जाती है। इसे नेचुरल फॉर्म में ही आपको सर्व किया जाता है जिसकी वजह से क्लोरोजेनिक एसिड भरपूर मात्रा में आपको मिलता है। होता तो ब्लैक वाली कॉफी में भी है लेकिन वो कहीं ना कहीं जब वो रोस्ट होता है तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है और फिर उसके बाद हम उसमें शुगर और चीनी मिला के पीते हैं जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं फैट बनाती है। लेकिन इस कॉफी को आपको नो शुगर, नो हनी, नो मिल्क कुछ भी नहीं करके जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया वैसे आपको लेना है। लेकिन अब बात आती है कि इन सब का भी एक न्यू वर्जन आया है, जैसे कि पहले लोग रेडियो सुनते थे, फिर आपका टेप आया, फिर उसके बाद जो छोटे वाले नहीं होते थे उसको मुझे नाम नहीं याद आ रहा है वो यूज़ किया, फिर मोबाइल आ गया। तो मतलब और फिर मोबाइल का न्यू वर्जन हर डे बाय डे आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ग्रीन कॉफ़ी मिली, मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर किया, फिर उसका भी एक अपडेटेड वर्जन मिला, ग्रीन कॉफ़ी कैप्सूल मिला। तो इसे मैं ले रही हूँ काफ़ी टाइम से, 1.5 महीने से ले रही हूँ। अमेजिंग से भी अमेजिंग रिजल्ट है, आप मेरी स्किन देख सकते हैं, स्किन का टेक्चर काफ़ी अच्छा हुआ है, मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई करता है और जिन लोगों को भी कुछ जैसे स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, ऑफिस की स्ट्रेस, घर की, ये उससे भी कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट करता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये वर्क कैसे करता है क्योंकि मैं फिर से जो लोग भी इस वीडियो को नया देख रहे हैं मैं फिर से बता रही हूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज बनता है जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं फैट के रूप में कन्वर्ट होता है, तो ये उसको क्या करता है, ग्लूकोज या इंसुलिन को कट डाउन करता है जिसकी वजह से वो फैट के रूप में नहीं कन्वर्ट हो पाता, यानी कि उसको तुरंत ही एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई हो जाता है। अब मैं बात करूँगी कि सिर्फ इस प्रोडक्ट को ही मैंने क्यों चुना है, इसी की कॉफ़ी क्यों ली, क्योंकि कॉफ़ी से काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। मैंने भी जस्ट ट्राई किया था, मतलब मार्केट से मुझे जो मिला, जो इकोनॉमिक रेट में मिला, जो हर कोई ले सकता था, तो पहले मैंने उसे मंगाया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, फिर मैंने पाउडर आप लोगों के साथ भी शेयर किया। तो इस कंपनी की भी मैंने कॉफ़ी बीन कैप्सूल लिए और मैं इस कंपनी का ही कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल क्यों ले रही हूं, क्योंकि इसमें पिपरिन है। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि आप मॉर्निंग में काली मिर्च और ये सब करके अपना जो डिटॉक्स ड्रिंक है मॉर्निंग का जो ले रहे हैं वो लीजिए, इसमें ऑलरेडी पिपरिन है और पिपरिन जो है वो काली मिर्च की मेन गुणवत्ता है, यानी कि उसकी जो भी तासीर गर्म होती है सिर्फ इस की वजह से होती है। तो ये इसमें आपको नेचुरल फॉर्म में मिल रहा है
और इस कंपनी का दावा भी है कि वी न्यू प्रायोरिटी। तो वाकई में न्यू हब्स के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं। मैंने इसका ग्रीन कॉफ़ी बीन्स भी लिया, ग्रीन कॉफ़ी पाउडर भी लिया, अब मैं कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ और कैप्सूल के साथ साथ मैं मल्टी विटामिन भी यूज़ कर रही हूँ। उसका वीडियो एक सेपरेट आएगा, क्योंकि अगर मैं इसके साथ उसे कोलैब कर दूँगी तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न बढ़ेगी। और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ, इसकी पैकेजिंग और इसका जो भी है सब कुछ बिल्कुल काफ़ी फाइन है। उसमें ऑलरेडी इन्होंने मेंशन भी किया है कि ये किस चीज़ के लिए काफ़ी बेनिफिट है। देखिए मैं दिखाती हूँ, अगर कैमरे ने कैप्चर किया तो वेट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, मेटाबॉलिक बूस्टर है, रिड्यूस स्ट्रेस करता है। आपकी आप मान लीजिए काफ़ी बिजी हैं, जैसे मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, नाइट में भी कभी कभी मुझे शूट करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेस आती है कि आज नहीं वीडियो गया या कल वीडियो नहीं गया, तो मैं ऐसे लेती हूँ तो मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इस फॉर्म में आपको ये मिलता है, इसके अंदर कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट भरा हुआ है, और क्योंकि इसमें उन्होंने कुछ और भी चीज़ें डाली हैं, जैसे कि पिपरिन डाली है, इस तरह से काफ़ी इसके जो गुणवत्ता को है काफ़ी बढ़ा दिया है, और मैं इसे लेती हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसे कौन कौन ले सकता है और कैसे ले। इसे ले सकते हैं थायराइड पेशेंट, ले सकते हैं पीसीओडी पेशेंट, ले सकते हैं पीसीओएस वाले पेशेंट ले सकते हैं, और डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं, जिनका भी बीपी हाई रहता है वो पेशेंट ले सकते हैं। और अब मैं बात करूंगी कि कौन इसे नहीं ले सकता है। इसे प्रेग्नेंट लेडी नहीं ले सकती हैं, इसे मतलब कि छोटे बच्चे नहीं ले सकते हैं, कभी कभी उनको भी जैसे इसकी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए मैंने एक अलग बताया हुआ है कि किस तरह से आप उनका भी मोटापा कम कर सकते हैं जो बच्चे होते हैं, लेकिन ये सप्लीमेंट उनके लिए नहीं है। आपको इसे लेना कैसे है, मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि जिनका वेट 50, 60, 65, 70 है उसे दो टाइप लेना है, और जिनका वेट 80, 90, 100, 100+ है उनको 3 टाइम इन अ डे लेना है। काफ़ी अच्छा है। जैसे मैं जो है मैं 53 रहती हूँ, 53, 52, मुझे 50 करना है अपना वेट, तो मैं इसे सिर्फ 2 बार लेती हूँ। लेकिन जिनका वेट जैसे मैंने बताया, आप मुझे हाइट वेट एज मुझे इस वीडियो के नीचे भेजिए, मैं आपको बताऊंगी कि आपका एक्चुअल वेट कितना होना चाहिए, सो आपको उस हिसाब से कितना कम करना है जो करंट वेट है, और फिर मैं आपको डोज भी बता दूंगी कि कैसी डोज लेना है। काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट पे ये इजिली अवेलेबल है, आपको पेटीएम पे मिल जाएगा, अमेजन पे मिल जाएगा, काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट पर इजली अवेलेबल है। लास्ट वीडियो में मुझे शिकायत मिली थी कि मैम आपने परचेज लिंक नहीं डाला और वीडियो में बोल दिया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने फुल और काफ़ी 3-4 को सर्च करके कि कहाँ कहाँ ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, मैंने वो सारा परचेज लिंक नीचे दे दिया है, एक बार जाके चेक जरूर करिएगा। मैं रेट यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने जैसे कि मैंने फ्लिपकार्ट पे कभी कभी अलग हो जाता है, कुछ डिस्काउंट चलता है वहाँ पे, बिग बिलियन सेल चलती है या कुछ भी चलता है, और कहीं तो आप एक दो बार दो तीन जैसे अब मैंने जो नीचे दिया है सारी साइट्स पे जाइए कि जहाँ पे आपको इसे कम रेट में मिले आप जाके खरीद सकते हैं। तो इसीलिए इजी वे में, क्योंकि हर जगह अलग अलग रेट चलते रहते हैं और सेल्स चलती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स यकीन मानिए कि मतलब काफ़ी अच्छा, आप नहीं बोलते हैं कि सोचते हैं कि मैं इस पर इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, 100% इन्वेस्ट करिए। जो भी लेडीज़ हैं जिनको भी जैसे कभी कभी स्ट्रेस की प्रॉब्लम, हम लेडीज़ों के साथ ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा लेते हैं और वो बेफालतू का स्ट्रेस लेते हैं, चाहें तो उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, तो इस आप अवॉइड कर नहीं पाते हैं, लेकिन आपको अवॉइड करने के लिए ये आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा, आपके स्ट्रेस को हटाएगा। जो लोग भी मनचाहे कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं ये उनकी भी हेल्प करेंगे, यानी जस्ट लाइक आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह ये आपके साथ वर्क करने वाला है। बिल्कुल भी नहीं, जस्ट लिया अपने बैग में डाल लिया, मान लीजिए ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आपको कहीं जाना है छुट्टियां बिताने जाना है, लेकिन इसके साथ रेगुलर लाइए। मान लीजिए आप डाइट नहीं रेगुलर कर पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ अगर आप रेगुलर रहेंगे, जैसे मैं इसके साथ रेगुलर रही, हाँ मैं डाइट के साथ और एक्सरसाइज के साथ इधर नहीं रेगुलर रह पा रही हूँ, क्योंकि फेस्टिवल की वजह से, कुछ अपना यूट्यूब की वर्क की वजह से, और वही सब साफ सफाई मैंने पहले भी बताया था, तो मैं इधर रेगुलर नहीं रह पा रही थी। लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट के, बस आपको इसे एक लेना है और जस्ट पानी पी लेना है, अगर आप इसके साथ रेगुलर रहेंगे तो काफ़ी अच्छा है। और फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट को मैंने इसलिए चुना क्योंकि इसमें
जल्दी जल्दी आप सर्च करिएगा और जल्दी जल्दी आपको ग्रीन कॉफी कैप्सूल्स तो मिलेंगे लेकिन विद एडेड पिपरिन नहीं मिलेगा। मैंने भी काफी सर्च किया और ये मुझे बेस्ट एंड बेस्ट प्रोडक्ट लगा क्योंकि इसके साथ आपको पिपरिन की भी गुणवत्ता मिल रही है, क्वालिटी मिल रही है, जो आपको काली मिर्च अलग से नहीं लेना पड़ेगा, जो मैंने बोला था कि आपको काली मिर्च लेना पड़ेगा वो नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ये पिपरिन ही है जो काली मिर्च की जो तासीर है उसको गर्म करता है, तो वो आपको इसमें नेचुरल फॉर्म में मिल रहा है। और ठंड आ रही है तो फ्री होके लीजिए तो आपको सर्दी जुकाम भी नहीं होने वाला है। और अगर ये वीडियो मेरा कहीं भी थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो मेरा चैनल पसंद आया और उनको सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बार परचेज लिंक पे चेक जरूर करिएगा, सारी साइट्स पे जहाँ भी आप परचेज कर सकते हैं। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और बहुत ही जल्दी मैं मल्टीविटामिन का भी एक रिव्यू लेके आने वाली हूँ, तो कनेक्ट रहिएगा मुझसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।